today we are going to do class 5 maths paper. This is for half yearly examination sample paper. So let's start the paper. The first question is an angle whose measure is 180 is called a straight angle. 180 straight, the spelling should be correct. 1 is a factor of every number. Or multiples of 2 are even numbers. 99999 is the greatest 5 digit number. Aapko pata hai ki greatest number 9 se banate hain. Smallest number 1 or 0 se banate hain. 13,425, you have to write this. Then, and circle the odd numbers. Red circle 7, 15, 19, 31. 1/4 you have to shade. Match the column. Acute angle is 40 degrees, less than 90. Obtuse is more than 90. Right is 90 and straight angle is 180. You can check the spelling from here also. Like fractions वो होते हैं जिनका denominator same होता है, वो like fractions होते हैं. Unlike वो होते हैं जिसका denominator अलग होता है. राइट फर्स्ट फॉर मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब 7 का टेबल लिखना है आपको, इनको ऐड करना है 4, 6, 2, 3, 4. एंड देन प्लेस वैल्यू ऑफ 8 हियर इज 10,000. फिल इन द करेक्ट नंबर. 3 4s are 12, 8 4s are 32, सो 12 विल बी देयर. फ्रैक्शन 17 divided by 4, यहाँ आपको कंप्लीट करना है एक पैटर्न को. दिस यू हैव टू विच पार्ट ऑफ द शेप इज शेडेड. सो 1/4 इज नॉट शेडेड एंड हेयर यू विल राइट 3/4 is shaded. 3/4 is equal to shaded and 1/4 not shaded. 4 में से 3 shaded है और 1 not shaded है. Do the factor tree of 24 like this. 12 2s are 24, 4 3s are 12, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 2 1s are 2, like this up to 1 you have to do. Draw lines of symmetry, anything you can draw here. And draw the lines of symmetry means ऐसी lines जो किसी चीज़ को equal parts में divide करती हैं उसे lines of symmetry कहते हैं. Study the figure. इस figure को पढ़ के आपको answers देने हैं. Name the vertex. तो कोना यहाँ पर सिर्फ एक है, O. Angle AOD और EOB का. Right angle कौन से हैं? COB, COA, BOE, EOA. 4 right angles हैं. Acute angle कौन से हैं, मतलब 90 से छोटे कौन से हैं? AOD, COE. और स्ट्रेट एंगल कौन सा है? स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है सीधी लाइन जो कि ए ओ बी है या फिर ई ओ सी है. एबिलिटी टू कंप्यूट, 3 1/2 है ये, तो आपको ऐसे करना है 3 2 6 + 1 7/2, सो दिस इज 7/2. देन मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, 150 लेस देन, तो लेस देन का मतलब होता है आप माइनस करके देख लेंगे तब लिखेंगे. थर्ड मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 3s are 21. 4 by 9 are 27, 4 by 9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई क्रॉस कर देंगे, 9 3s are 27 कट जाएगा, 3 4s are 12, सो 12 इज द आंसर हियर. यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताना है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग, इसका पेरीमीटर आपको निकालना है. पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड, तो चारों की 5 5 + 2 + 2 निकालेंगे तो आपका 14 cm आंसर आ जाएगा. फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, एक का एरिया 1 है तो दी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का एरिया 1 × 10 हो जाएगा, मतलब 10 cm². 9 - 1 = 8 होता है, ये एक पैटर्न है, देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6, सो यू हैव टू फॉलो द पैटर्न. इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला. कमिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो इज 12 rupees, सो हाफ के जी कितने का होगा, 12/2 कर देंगे, इट वुड बी 6 rupees. रमेश बॉट अ चॉकलेट केक फॉर हिज 4 children, डिवाइडेड इट इक्वली अमंग देम, ईच विल गेट 1/4, क्योंकि देखिए ये एक पूरा केक है, 4 बच्चे हैं तो सबको बराबर मिलेगा, तो 4 × 1/4 = 1, यहाँ हमारी चेकिंग भी हो गई. द एनुअल एग्जाम स्टार्टेड ऑन 9 March एंड एंडेड ऑन 4 April, तो स्टार्टिंग डेट हमारी 9 March की थी, एंडिंग डेट 4 April की है. हाउ लॉन्ग डिड दे लास्ट, कितने दिन चले? आपने देखा मार्च में 23 days हो रहे हैं और एंडिंग डेट 4 April है, तो क्योंकि मार्च में 31 days होते हैं और अप्रैल के 4 days टोटल ऐड करके 27 days का एग्जाम चला. द कॉस्ट ऑफ 1 book इज 135, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 24 books, 135 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर हियर. अरेंज 6 marbles इन 4 lines इन सच अ वे दैट ईच कंटेन्स 3 marbles, यहाँ पे ये 12 marbles हैं, तो आप ऐसे करेंगे कि 12 marbles हैं उसको कितनी लाइन्स में लगानी है, 4 lines में, तो 4 4 की लाइन्स बना लेंगे. 3 का टेबल यहाँ चलेगा, 3 2 6 3 9 3 2 12, और 12 / 4 इज इक्वल टू 4 lines, सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व इट. सुशील वांट्स टू बाय अ हाउस हुज कॉस्ट इज रुपीज दिस मच, ही हैज दिस मच, हाउ मच मनी इज शॉर्ट, तो कॉस्ट ऑफ हाउस इतना है, इतने पैसे उसके पास हैं, यानी इसमें से माइनस करके देख लेंगे आपको 90,000 rupees इसको लेने पड़ेंगे. अरुण टेबल स्लीपिंग डे 1
1/3 of 24 is 8. 1/8 is equal to 3 hours playing. Studying 1/4. 1/4 into this is 6. So 8 plus 3 plus 6 कितना हो गया? टोटल हो गए आपके 17 आवर्स. तो 17 आवर्स तो इसने इस काम में लगा दिए. हाउ मेनी आवर्स आर टेकन फॉर स्लीपिंग? 8, 6, 3. एंड बाकी काम के लिए उसके पास कितने बचे? तो 24 में से 17 को माइनस कर देंगे, इट इज 7 आवर्स. 7 आवर्स आर लेफ्ट. सो आई होप यू विल प्रैक्टिस दिस पेपर वेल.